हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। इस टेस्ट में आकर 2018 में वकार यूनुस का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। न्यूजीलैंड के खिलाफ एक मैच में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले पाकिस्तानी बॉलर बन गए हैं। हसन अली ने भी जबरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा किया और 3 शिकार किए। कुछ मैच तभी आपसे शेयर करते चले। पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स में 418 रन 5 खिलाड़ी आउट पर इनिंग्स डिक्लेयर कर दी थी। उसके बाद न्यूजीलैंड की इनिंग्स का आगाज हुआ। पहली इनिंग्स में 90 रन पर आउट हो गई थी न्यूजीलैंड की टीम, जिसमें हसन अली ने भी अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया और यासिर शाह ने 12 ओवर्स में 41 रन देकर 8 खिलाड़ियों को आउट किया था। उसके बाद फॉलो ऑन पर मजबूत किया गया पाकिस्तान की जानिब से न्यूजीलैंड को और फिर यासिर शाह का एक बार फिर जादू चल गया और इस मैच में भी, इस इनिंग्स में भी 143 रन देकर 6 विकेटें हासिल की। यूं यासिर शाह ने वकार यूनुस का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आलिया रशीद हमारे साथ लाइन पर मौजूद है, उनसे मजीद बात करेंगे। आलिया, बड़ी ही जबरदस्त परफॉर्मेंस पाकिस्तान की जानिब से, दुबई टेस्ट जीत लिया है और ये कहा जाए कि सारा क्रेडिट यासिर शाह को जाता है तो गलत नहीं होगा। जी बिल्कुल, सबको मुबारक हो। बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस है पाकिस्तान की और यासिर शाह तो सिंगल हैंडेडली उन्होंने एक जॉब को सबसे आसान बना दिया। और जिस तरह से पहले इनिंग्स में उन्होंने प्रेशर में डाला था 8 विकेट लेने के बाद, उस बात यही लग रहा था कि बहुत देर तक न्यूजीलैंड की टीम जो है वो इतना ज्यादा प्रेशर को हैंडल नहीं कर सकेगी, मगर फिर भी उनको दाद देनी पड़ेगी कि जिस तरह से उन्होंने इस टेस्ट क्रिकेट का हुस्न जो है उसको बरकरार रखा, जिसमें आप हर सेशन में इम्प्रूव कर लेते हैं। तो 90 के बाद आउट होना और उसके बाद इस तरह से खेलना, इतना लंबा ले जाना, अगर हमारी टीम होती तो शायद हम पानी से क्रम्बल कर जाते, मगर बहुत अच्छी फाइट। लेकिन यासिर शाह ने जितना अपना बॉलिंग रिदम हासिल किया है, जितना वो रनअप से रिलैक्स नजर आए हैं, जितना उनकी और सरकार की आपस में अंडरस्टैंडिंग नजर आई है, यानी कि इतने लंबे ओवर कराने के बाद इतना ताजा हुआ है कि उसकी फिटनेस भी वापस आई है, तो बहुत खुशाइन चीज है। क्योंकि आगे साउथ अफ्रीका का टूर है और हमारे मेन बॉलर जो है वो यासिर शाह है डेफिनेटली। और उसके अलावा ये है कि हमने जो सीरीज बराबर की है सो फार, तो जो तीसरा टेस्ट है उसका इंटरेस्ट भी बहुत बढ़ जाएगा। और साथ ही साथ यासिर शाह ने जो मैच में विकेटें ली हैं, आपने इस पर अपना तबसरा भी किया है, बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस उन्होंने दिखाई है। हसन अली पहली इनिंग्स में 1 विकेट हासिल करने में कामयाब हुए, लेकिन दूसरी इनिंग्स में उन्होंने भरपूर साथ दिया और 3 विकेटें हासिल की हैं, लेकिन मोहम्मद अब्बास दोनों इनिंग्स में कोई कामयाबी हासिल नहीं कर सके, कोई विकेट नहीं ले सके। हाँ देखिए, असल में हसन जो है उनके पास रिवर्स स्विंग है, उनके पास स्पीड ज्यादा है। अब्बास के मुकाबले में जो प्रॉब्लम है या जो एज है हसन को, वो उनकी स्पीड और उनका रिवर्स स्विंग करना है। अब्बास जो है वो नई गेंद से ही सिर्फ अच्छी बॉल करवा सकते हैं, अगर जो उन्होंने बॉलिंग बहुत अच्छी की है। इससे ये ध्यान में हमें रखना पड़ेगा कि ये जो कंडीशन है बेसिकली ये आइडियल इसको सामने रख के बनाया गया है कि ये स्पिनर को और रिवर्स स्विंग करने वाले को हेल्प करती है, तो इसका भरपूर फायदा जो है वो उठाया है यासिर शाह ने। जिस तरह से उन्होंने बाउंस, अपने ड्रिफ्ट, अपनी वेरिएशन, हर चीज के जरिए अपनी जितने स्किल्स उनके पास थी उन्होंने आउट क्लास कर दिया न्यूजीलैंड को और उनके बैट्समैनों को। तो मेरा ख्याल है जितनी भी दाद दी जाए पाकिस्तान क्रिकेट टीम को, पाकिस्तान क्रिकेट टीम का बाउंस बैक करना और इस टेस्ट को आके जीतना पहले टेस्ट को लूज करने के बाद, ये बहुत अच्छी इंडिकेशन है कि हम एक फाइट बैक की है एक टीम के तौर पर और किसी सूरत भी गिव अप नहीं किया। बड़ी जबरदस्त कामयाबी मिली है पाकिस्तानी टीम को। और जैसे आप पूरी पाकिस्तानी टीम की बात करिए, यासिर शाह की बात करिए, यासिर शाह ने वकार यूनुस का रिकॉर्ड तो तोड़ा ही, मैच में 14 विकेटें लेकर इमरान खान का भी रिकॉर्ड बराबर कर दिया, तो एक और अचीवमेंट इनको मिली है। बिल्कुल, देखिए दुनिया के जो ये जो परफॉर्मेंस है इमरान खान की, परफॉर्मेंस जो है आज तक देखे उसको कोई तोड़ नहीं सका था, तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है इस लिहाज से पाकिस्तान क्रिकेट की बॉलिंग की तारीख में। और यासिर शाह उसके अलावा जिस लीग में अब आ गए हैं, जो शेन वॉर्न की है या नील कुंबले की है, तो उसमें इस परफॉर्मेंस से उन्होंने साबित किया है कि वो किसी तरह भी कम नहीं है किसी से। और अच्छी बात मुझे उनकी ये लगी है कि उन्होंने एक बुरा पैच आने के बाद जिस तरह से कम बैक किया है, वो जिस तरह अपनी फिटनेस पर काम किया, जिस तरह अपने स्किल्स को इम्प्रूव किया, वो किसी सूरत भी एक बड़े प्लेयर की निशानी है जो कि कभी भी गिव अप नहीं करता। और उन्होंने वापस आके ये बताया है कि वो वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं और वो मैच विनर है, उन्होंने
बार फिर ये साबित किया अपने आप को मैच विनर साबित किया है। साथ ही रहेगा आलिया, हमें ज्वाइन किया है क्रिकेट के सिकंदर वक्त ने। सिकु भाई, किसकी तारीफ की जाए, यासिर शाह की 14 विकेटों की, हारिस सुहेल के 147 रन की या बाबर आजम के 127 रन की? जबरदस्त परफॉर्मेंस, पाकिस्तान कमबैक आ गया है, कमबैक कर लिया है सीरीज में और जबरदस्त कामयाबी मिली है दुबई टेस्ट में पाकिस्तान। हर लिहाज से ये यासिर शाह की कामयाबी है, इसलिए कि देखें इस किस्म की परफॉर्मेंसेस जो होती हैं, पिछली दफा 36 साल पहले की थी इमरान खान ने 1982 में। उससे पहले मुझे याद है जब हम छोटे होते थे फजल महमूद का जिक्र होता था, जब उन्होंने 6 और 6 12 आउट किए थे तो वो बहुत बड़ी परफॉर्मेंस थी। तो इस किस्म की परफॉर्मेंसेस जो है उसको 20-20, 25-25 साल लगते हैं, सेंचुरियां तो बनती रहती हैं, हर टेस्ट मैच में सेंचुरी बनती है, जैसे कि हारिस ने बहुत अच्छा खेला मगर सेंचुरियां बनती हैं, बाबर की सेंचुरी बनती है, मगर 14 आउट कर देना एक इनिंग में, 8 आउट कर देना, ये बहुत बड़ी परफॉर्मेंसेस होती है। ये जो जैसे मैंने कहा कि अब 36 साल बाद ये परफॉर्मेंस हुई है, तो हर लिहाज से ये यासिर शाह की कामयाबी है, बहुत बड़ी ये परफॉर्मेंस है और पाकिस्तान का जिस तरह कमबैक हुआ है वो उसकी दाद देनी पड़ेगी कि जो जिस तरह हम पहला टेस्ट मैच हारे हैं उसके बाद जो जीते हैं तो कमाल ही कर दिया पाकिस्तान टीम ने। दुबई टेस्ट जीतना सिकु भाई और अबू धाबी टेस्ट का बदला लेना और सीरीज 1-1 से बराबर करना पूरी टीम के लिए तो कॉन्फिडेंस बूस्टर है। इस तरह फराज अहमद बीइंग अ कैप्टन, उनके लिए कितना कॉन्फिडेंस बूस्टर है ये जीत? देखिए जो पहला टेस्ट हम किसी लिहाज से नहीं हारना था, पहले दिन ही जब मेरा बीपर चला था तो मैंने कहा था हम 4 दिन में जीत जाएंगे, किसी लिहाज से न्यूजीलैंड की टीम स्पिनर्स को नहीं खेल सकती, उनको खेलना नहीं आता स्पिनर्स को, वो बड़ा साफ बड़ा ऑब्वियस नजर आता है कि न्यूजीलैंड की टीम जो है वो बहुत ही वीक है स्पिनर्स पे। तो पहला टेस्ट मैच हारना तो बिल्कुल ऐसा है कि मतलब एक ख्वाब की कैफियत थी मेरे में, मुझे तो खुद यकीन नहीं आ रहा था कैसे हार गए, उसका बदला लेना तो ये सरफराज के लिए बहुत अच्छा हुआ है। उस टेस्ट मैच के हारने से जो कि हम 2-3 रन से 4 रन से हारे थे तो सरफराज के ऊपर सवालात उठने लगे थे, लोगों की निगाहें उसके ऊपर चली गई थी, मगर ये टेस्ट मैच जो जीते हैं वो बहुत ही बड़ी कमबैक है और खासतौर पर जो पहली इनिंग में हमने उनको 90 पे आउट किया है उससे बड़ी परफॉर्मेंस नहीं हो सकती और सारा चेहरा जैसे हमने पहले जिक्र किया ये यासिर शाह का। बिल्कुल आलिया, आपसे भी कमेंट लेना चाहेंगे, कप्तान सरफराज अहमद के लिए कितना कॉन्फिडेंस बूस्ट है आज की जीत? बहुत जबरदस्त बूस्ट है क्योंकि देखिए जब पहला टेस्ट हारे थे उसके बाद जिस तरह से पाकिस्तान टीम की बैटिंग थी और जितनी वो पैथेटिक बैटिंग थी वो उसके बाद सरफराज की अपनी भी परफॉर्मेंस ठीक नहीं थी, वो काफी डाउन नजर आ रहे थे लेकिन बॉक डाउन थे लेकिन हौसला नहीं हारा। जो अच्छी बात ये हुई है कि मैनेजमेंट ने ये जो हौसले थे उसको बढ़ाने के लिए ये कहा कि अब आपने आइंदा अच्छा प्रूव करके ज्यादा अच्छा खेलना है, ये नहीं किया कि उनको डिस्करेज किया या उनको रिडिक्यूल नहीं किया, बल्कि कहा कि आप सब में ये पोटेंशियल है, इसी वजह से आपको जाना है और जाके खेलना है, आपने लंबी इनिंग खेलनी है। और हमने देखा कि जिस तरह से यहाँ पे अजहर अली की परफॉर्मेंस तो बहुत जबरदस्त रही, जिस तरह से हारिस खेले, जैसे बाबर आजम खेले, तो वो सबने इस पर अमल किया और एक टीम वर्क के तौर पर सरफराज जिस तरह से लेके चलते हैं, आपने सुना होगा मैच के दौरान भी उनकी आवाजें आती रहती हैं, कभी अब्बास मियां कभी हारिस मियां वो नारे लगा रहे होते हैं, यानी कि वो वर्कअप कर रहे होते हैं और एक एक बॉल के ऐसे कैप्टन नहीं है जो कि आसानी से हार मान जाए, ये उनकी बहुत बड़ी खूबी है। और यकीनन यासिर शाह ने और पूरी टीम ने एक टीम वर्क है ये उसमें उनका साथ दिया है और एज ए कैप्टन उनकी जो परफॉर्मेंस है वो आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव होती जाएगी इस तरह से, क्योंकि देखें इंग्लैंड में भी जाके हमने सीरीज बराबर की उनकी कप्तानी में, वो भी बहुत बड़ी अचीवमेंट थी और अब ये होम ग्राउंड है और जहां पे हारना यकीनन कोई फखर की बात नहीं हो सकती कि आप अपने होम ग्राउंड पर हार जाएं, इसलिए अब तीसरा टेस्ट जो है वो कम से कम क्रिकेट लवर्स के लिए बड़ा एक्साइटिंग होगा कि बहुत ही एक्साइटिंग होगा कि अगले टेस्ट में किस स्ट्रेटजी से जाना होगा। सिकु भाई, जिस तरह यासिर शाह ने वकार यूनुस का रिकॉर्ड तोड़ा है, इमरान खान का रिकॉर्ड बराबर किया है, उनकी तो हम जितनी तारीफ करें कम है, कुछ मोहम्मद अब्बास की भी बात कर लेते हैं, इतना ज्यादा यूज नहीं किया कप्तान सरफराज अहमद ने बॉलिंग के वक्त उनको और दोनों ही इनिंग्स में उन्होंने बॉलिंग जरूर की लेकिन उनको कोई कामयाबी नहीं मिली। देखें हो सकता है कि उनको स्टडी कर लिया हो, आजकल कंप्यूटर्स हैं, ये दुनिया बहुत सुकड़ के रह गई है तो उन्होंने उसको उसके हिसाब से खेला, मगर जो अब्बास की परफॉर्मेंस थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वो भी बड़ी सुपर परफॉर्मेंस थी कि इन पिचेस के ऊपर उसने 17 खिलाड़ी आउट किए थे, बहुत बड़ी परफॉर्मेंस थी। और देखिए जब परफॉर्मेंस होती है तो एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं, जैसे कि हसन अली ने आज बड़ी अच्छी बॉलें की हैं, उसने बड़े इंपॉर्टेंट वक्त पे 2-4 विकेटें लिए जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, तो हसन अली पे भी हम जो है बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, फखर जमान पे हम बहुत ज्यादा फोकस करते हैं कि इन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी के बाद ये स्टार्स बन गए। तो इसी तरह अब्बास पिछले
पहले मैच जो सीरीज थी ऑस्ट्रेलिया की, उसके बाद वो सुपर स्टार बन गए थे। इन पिचों पर टकरा आउट करना मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी परफॉर्मेंस होती है, और इसीलिए थोड़ा सा हम लोग उनको देख रहे हैं कि उन्हें जो है बॉलिंग भी थोड़ी कम दी गई। और ये देखिए कप्तान जो होता है बड़ा सोच समझ के जो है वो देख रहा होता है ग्राउंड के अंदर कि कौन ज्यादा इफेक्टिव है। कई दफा होता है कि आपका बहुत अच्छा प्लेयर है, उसकी बॉलिंग में वो असर नजर नहीं आ रहा होता किसी वजह से, तो वो उस बॉलर को इस्तेमाल करता है जिसमें थोड़ा सा स्पार्क नजर आ रहा है, कोई शार्पनेस नजर आ रही है। तो यही सरफराज ने बड़ी अकलमंदी के साथ हसन से ज्यादा बॉल कराई, इसमें ज्यादा स्पार्क नजर आ रहा था और वो कामयाब हो गया। तो साउथ अफ्रीका में जो सीरीज होगी ही विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट मेंबर। तो ओवरऑल बहुत अच्छी परफॉर्मेंस। सिकू भाई आपसे ये भी जानना चाहेंगे, पिछले टेस्ट मैच में शिकस्त के बाद सरफराज अहमद ने बहुत सी गलतियों को हाईलाइट किया था और कहा था कि 90 से कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हम ट्रिपल फिगर में, सेंचुरीज नहीं कर रहे प्लेयर्स। लेकिन इस मैच में हमने देखा कि हारिस सुहेल ने भी 147 रन बनाए, बाबर आजम ने भी 127 नॉट आउट किया। इस मैच में अगर कोई गलतियां जिसको आप हाईलाइट करना चाहें और हम अगले टेस्ट में रिपीट ना करें, यकीनन जीत मिली है लेकिन फिर भी हमने नेगेटिव पहलू पर भी बात करनी। देखिए हमारे जो टॉप के तीन प्लेयर्स फेल हुए वो बहुत नेगेटिव पॉइंट है हमारा। हमारा इमाम जल्दी आउट हो गए, जो एक घंटा का अगर आप क्लिप निकाल के देखें जो पहला घंटा था जब न्यूजीलैंडर ने बॉल की थे, ग्रैंड होम बॉल करा रहे थे और गेंद थोड़ा सा स्विंग हो रहा था और उनकी पेस जो है 80 से भी कम है, उस पर हम हर लड़के ने जो शुरू के टॉप चार खिलाड़ी थे उन्होंने स्लिपे मारी है, दो तो आउट हो गए, एक का कैच छूटा, हारिस सोहेल का भी कैच छूटा। तो वो बहुत ही ज्यादा वीक पॉइंट है कि हमारे लड़के जो स्विंग बॉलिंग है उसको नहीं खेल पाते। इमाम आउट हुए, हफीज आउट हुए, उधर अजहर अली आउट हुए, अजहर अली में 81 रन के, उसके बाद जो असद जो बहुत गलत आउट हुए, असद को बहुत ख्याल करना पड़ेगा। असद जो है हमारे बड़ा इंपॉर्टेंट फिगर है, वो बहुत एक्सपीरियंस है, मगर जिस तरह का असद शफीक ने शॉट मारा वो टेस्ट क्रिकेट में उनके क्लास के हिसाब से नहीं होता। जो उनकी क्लास है, जिस तरह वो बैटिंग करते हैं, जिस तरह के उनकी परफॉर्मेंसेस है, असद शफीक का शॉट बहुत गलत था। तो इन तीन चार प्लेयरों को अपने आप को जो है संभालना पड़ेगा जो अगला टेस्ट मैच होगा, ताकि पाकिस्तान ज्यादा से ज्यादा रन करे। इसलिए देखें फिर अगला जो टेस्ट मैच होगा टॉस के ऊपर चला जाएगा। अगर पाकिस्तान टॉस हारता है तो हमारी जो पहली इनिंग होगी, चाहे वो 400 उन्होंने किए हो या 200 किए हो, वो अच्छी होनी चाहिए। तो ये इन लड़कों को रन करना बहुत जरूरी है। ये जिस तरह आप अभी बात कर रहे थे कि अपने 50 को 100 में कन्वर्ट करें, 100 को 150 में करें, जब तक ये नहीं करेंगे तो आपका बड़ा स्कोर बोर्ड पे नहीं लगेगा और आपके बॉलर्स को मौका नहीं मिलेगा। रन लगाएं ताकि बॉलर्स को बॉल करने का मौका अच्छी तरह मिले और कहीं ना कहीं सपोर्ट जरूर मिलती है ऐसे। आलिया आपसे भी यही जानना चाहेंगे, कौन सी गलतियां हैं, कौन से लूप होल्स हैं जो जहन में रखने होंगे अगले टेस्ट मैच के लिए, ताकि हम टेस्ट सीरीज में कामयाबी हासिल करें। देखिए जैसे सिकंदर बता रहे थे, ओपनर्स का बड़ा इशू है, क्योंकि हमें ये देखना होगा कि इमाम पर भी सवाल है कि क्या वो अच्छी टीमों के खिलाफ स्कोर कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि वो भी अब फेल हो रहे हैं, तो उनको भी अपनी जो टेक्निकल इश्यूज हैं उन पर काम करना है, अपने टेम्परामेंट पर काम करना है। हफीज जो है वो 6 इनिंग्स में फेल हुए हैं एक इनिंग्स के बाद, अब ये देखना होगा कि क्या आखिरी टेस्ट में आप किसी और ओपनर को खिलाएंगे या नई जोड़ी बनाएंगे या इनिंग के साथ जाएंगे, क्योंकि ये भी हो सकता है। मैं तो बार बार कह रही हूँ कि साद अली हमारे साथ टीम में बैठे हैं, उनको मिडिल ऑर्डर में खिलाएं और दो लड़कों को ऊपर ओपन करवाएं, अजहर अली और इमाम जो है वो ओपन कर सकते हैं। असद रफीक जो है उनका जिक्र करना वाकई इसलिए बहुत जरूरी है कि एक तो बड़े टेक्निकली साउंड प्लेयर हैं, लेकिन मेंटली वो कुछ लगता है कि उनके साथ मसले चल रहे हैं। 25 इनिंग्स में उन्होंने सिर्फ 200 किए हैं, यानी 25 टेस्ट इनिंग्स में सिर्फ 200 किए हैं उन्होंने, तो ये अजहर ने भी लास्ट इनिंग्स अच्छी खेली है, लेकिन आखिरी 17 इनिंग्स में भी उनकी जो है वो आखिरी सेंचुरी उन्होंने वेस्ट इंडीज के खिलाफ 127 की थी। ये दो पिलर है हमारे टेस्ट के, उनका चलना बहुत जरूरी है। मगर खुशहाल बात यह है कि जो हमारे यंगस्टर्स हैं उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को पहचाना है, उनको ये समझ आई है कि हमें खड़े होना है और हमें बड़ी पारी देनी है। इसके बगैर आप टेस्ट मैच नहीं जीत सकते और 20 विकेटों के बगैर आप टेस्ट मैच नहीं जीत सकते। ये जो कॉम्बिनेशन है, क्योंकि आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि बिलाल आसिफ जो है वो भी एक पहली इनिंग ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो जिसमें उन्होंने 6 विकेट ली, उसके बाद वो भी उस तरह कामयाब नहीं हो सके, अगर उन्होंने बहुत अच्छा ब्रेक थ्रू भी दिया था, लेकिन वो उस लेवल के बॉलर जो है वो नहीं है। हमें स्पिनर देखना पड़ेगा कि यासिर शाह अकेले हैंडल नहीं कर सकते, उनको एक सपोर्ट जरूर चाहिए। तो हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा स्पिनर है दूसरा जिसको हमें आगे चल के इंडक्ट करना है फ्यूचर के लिए।
बिल्कुल सीखू भाई, जिस तरह आलिया ने बॉलर्स की भी बात की है, अजहर अली की भी परफॉर्मेंस की बात की है, तो उस पर भी आपका कमेंट लेना चाहेंगे। अजहर अली वही बात, 50s को 100 में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे, इस मैच में देखें तो 81 रन किए और पिछले ही मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ 65 रन स्कोर किए और उससे पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 64 रन स्कोर किए, ट्रिपल फिगर में नहीं जा पा रहे। यही देखें, अजहर और असद ये दो बड़े हमारे बड़े प्लेयर हैं जिनकी 13-13, 14-14 सेंचुरियां हैं टेस्ट क्रिकेट में, मगर ये हमारे जैसे भी आलिया बिल्कुल सही कह रही है, वो हमारे दो सतून हैं जिनको हर मैच में रन करना है, उन पर हम बड़े डिपेंड करते हैं। अजहर अली पिछले कुछ अरसे से जो है ना थोड़े ऑफ कलर नजर आ रहे हैं, जिस तरह के असद का भी उन्होंने जिक्र किया, 25 इनिंगों में उनके 200 हैं, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, ये दोनों खिलाड़ी हमारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो अगर ये लड़कों से बैठ के बात करनी चाहिए, मैं समझता हूँ कि जो मैनेजमेंट है वो करती भी होगी, हमें नहीं पता, मगर और इनको ये इनके जहन में ये बिठा देना चाहिए कि भाई तुम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, अगर आप नहीं कन्वर्ट करोगे अपने 50 को 100 में तो काम नहीं चलेगा। तो ये दोनों खिलाड़ी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनके पर हमें बहुत ज्यादा काम करना चाहिए, उनको कॉन्फिडेंस देना चाहिए, तो ताकि ये आगे चल के जो है और हमारे लिए रन कर सके। देखिए इस सीरीज के बाद जो बहुत मुश्किल सीरीज आ रही है वो साउथ अफ्रीका की है, वहां पर तो गेंद फ्लाई करेगा और वो भी ऑस्ट्रेलिया को भी मार के आ रहे हैं, तो उनकी जो बॉलिंग है बहुत तगड़ी है, तो हमारे इन लड़कों को पर बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा, हमारे सारे नौजवान खिलाड़ियों पर बड़ा डिपेंड करेगा, तो ये दोनों लड़कों को बिठाकर हमें अच्छी तरह बात करनी चाहिए और एक आधी चेंज जरूर करनी चाहिए ओपनर्स में। देखें हफीज के लिए मैंने कहा था कि वो वनडे और T20 खेले, टेस्ट क्रिकेट से वो बेहतर है कि रिटायर हो जाए, ताकि कोई नौजवान लड़का उधर घुसे और वो अपनी जगह बनाए, बहुत से लड़के हैं खुदा मंजूर है।